स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या फॉलो करना चाहते हैं या इसकी PDF कॉपी को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायो, हिंदी सारे चीज़ों का आपको रिविजन प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लो और इन सारे रिवीजन क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टीज होती है या कोई प्रॉब्लम्स होते हैं किसी स्टूडेंट को तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखे, और कौन बच्चे रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी लिखे ताकि हमको पता चले कौन बच्चे रिवीजन करते हैं और कौन बच्चे नहीं करते हैं। अगर आप इस तरह से रिवीजन अपने लिए खुद तैयार करते हैं तो मुझे आपको रिवीजन क्वेश्चन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद का प्लानिंग तैयार कर लेते। मैं एक ऐसा प्लान दे रहा हूँ ताकि आपका सक्सेस ब्राइट हो, तो इसके लिए आपको एक प्लानिंग करना पड़ता है। कोई भी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है, एक चीज़ों को एक दिशा में सोचना पड़ता है, एक दिशात्मक होना पड़ता है। तो उसके लिए आपको डेली प्लान बनाना पड़ता है कि हमको आज कितना टॉपिक कवर करना है। हम लोग जैसे कि खाना खाते हैं तो हम लोग एक पार्ट्स वाइज में ही खाना को खा पाते हैं, एक साथ कोई भी निवाला को नहीं ले सकता है। उसी प्रकार हमको भी पढ़ाई करना है तो छोटे छोटे टॉपिक्स बना लो, कितने क्वेश्चन को आज रिवीजन करना है, कल कितने क्वेश्चन को करना है, ऐसे आप टाइम टेबल बना लो तो आपका पेपर निश्चित तौर पर अच्छा तरीके से जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों को और किसी सब्जेक्ट का रिवीजन पाना चाहते हो या उसका सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो इसके लिए कमेंट बॉक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि मेरिट स्थान में छत्तीसगढ़ का नाम गौरव करें। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आया हूँ, और मैंने ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर को एनालाइज किया, सिलेबस को एनालाइज़ किया, सिलेबस में क्या चीज़ कटिंग हुआ है, क्योंकि 2020 में जो एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस साल रिमूव कर दिए गए थे दो टॉपिक्स को, तो उसको आपको करना ही नहीं है। और साथ ही साथ आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को, तो इन सब को मैं एनालाइज़ करते हुए आपको एक क्वेश्चन सेट तैयार करके दे रहा हूँ। आप इन्हीं में से रिविज़न करो और इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चन आएगा, चाहे इनमें से कोई भी टॉपिक्स हो इन्हीं में से ही टॉपिक आएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को अब शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। पहला क्वेश्चन रहेगा वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो कार्यों का वर्णन करें। दो दो कार्य बताना है वृषण तथा अंडाशय के बारे में। राइट टू मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी के दो फंक्शन लिखने, दो फंक्शन बताने हैं। अगला क्वेश्चन है अंडाशय को अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों कहा जाता है, समझाइए। अंडाशय को अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि अंडाशय को क्यों कहते हैं, ओवरी को क्यों कहते हैं, इसके बारे में लिखना है, समझाना है, स्पष्ट करना है। व्हाई ओवरी इज कॉल्ड इंटरनल सेक्रेटरी ग्लैंड, एक्सप्लेन। सेक्रेटरी ग्लैंड क्यों कहते हैं ओवरी को, इसके बारे में मेंशन करना है, डिस्क्राइब करना है। अगर वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। कोई भी चीज़ हम लोग अगर कोई चीज़ों को शेयर करते हुए अपने कामों को पूरा करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है और दुनिया वालों को भी अच्छा लगता है। तो आप लोग शेयर, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, अगला प्रश्न क्या है। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस करना है दोनों में, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस के बारे में डिफरेंस बताना है। इसका अगला क्वेश्चन है अंडजनन क्या है, अंडजनन की विभिन्न प्रावस्थाओं का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए,
विभिन्न प्रावस्थाओं का अंडजनन को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। अंडजनन क्या होता है, ये सारे चीज़ों को आप डिस्क्राइब कर ले, अच्छे से रीड कर ले, इन्हीं में से आपका एग्ज़ाम पेपर बनेगा। मैं 100% कहता हूँ कि इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज ओजेनेसिस, ओजेनेसिस के बारे में लिखना है। एक्सप्लेन वेरियस फेसेस, फेसेस ऑफ ओजेनेसिस अलोंग विद डायग्राम। ओजेनेसिस का फेसेस लिखना है विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्तव चक्र क्या है। आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं। आर्तव चक्र क्या होता है और आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन द्वारा होता है, हार्मोन कौन से हार्मोन इसको करते हैं उसके बारे में बताना है। अगला 6th क्वेश्चन, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, मनुष्य में शुक्राणु बनने की तक की अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, मनुष्य में जो शुक्राणु बनता है उसकी अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं और डिस्क्राइब द वेरियस फेसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग विद डायग्राम। आपको शुक्राणु जनन के इम्पोर्टेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो सारा कीवर्ड आपका शुक्राणु जनन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। आपको इसी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। लास्ट क्वेश्चन है इस रिवीजन का, ये 7 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे सिलेबस और प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर को एनालाइज किया। आज पूरी तरह से मैंने कल रात भर इसको देखा, पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ और इन्हीं को आप रिवीजन करें। स्टूडेंट इतना आप अगर करते ना तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते, आप खुद ही एनालाइज करके देखो, अपने अंदर की अंतर को झांक कर देखो कि आपने कितना रिवीजन किया या किस तरह से प्लानिंग किए। तो चलिए देखते हैं प्रसव क्या है। प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं जो प्रसव को प्रसव में शामिल होते हैं उसको बताना है, प्रसव को प्रेरित करते हैं। व्हाट इज अ पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन क्या होता है। विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्वेड इन इंडक्शन ऑफ पार्चुलाइजेशन। चलिए देखते हैं, तो विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्वेड इन इंट्रोड्यूस ऑन पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ये सारे चीज़ों को आप रिविजन करें, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर कोई स्टूडेंट क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स करें, हो सकेगा तो आपको क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव क्लासेस दिया जाएगा, सारा चीज़ किया जाएगा। आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होगा तभी कमेंट करें, वरना अन्यथा नहीं करें। अगर आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो तो उसके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस आपको फ्री लाइव क्लासेस दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। अगर नहीं पढ़ना चाहते उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा क्लास 12 से रिलेटेड, ये मैं वादा करता हूँ। मैं वादा करूँगा तो उसको पूरा भी निभाता हूँ, सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ, उसका क्वेश्चन भी दे सकता हूँ। तो सॉल्यूशन के लिए खुद स्टूडेंट खुद मेहनत करे। अभी अगर जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है तो सर को पूछिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब तक आप नहीं पूछोगे तो मैं आपको सिर्फ PDF कॉपी देकर या फिर आपको इस तरह से आपको मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकता। आपको अगर पढ़ना है सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है तो मेरे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, उसके आधार पर आपको रिविजन प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपना प्लानिंग बनाइए, डेली का टाइम टेबल बनाइए। लाइव क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा। मैं इतना कर सकता हूँ, आपके एग्ज़ाम बेहतर हो, आपका ब्राइट फ्यूचर हो। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट क्लास 12th के बाद मेडिकल की पढ़ाई करे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे और अपना सक्सेस को ग्रो करे। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। आप अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, अन्यथा अगर नहीं जुड़ना है उसके लिए कोई भी बात नहीं है। आपको इसके बाद क्लास 12th के बाद बहुत से स्ट्रीम होते हैं, मेडिकल लाइंस की पढ़ाई करनी पड़ती है। आप बायोलॉजी को अगर अच्छे तरीके से समझोगे, पढ़ोगे, तभी आप मेडिकल के पढ़ाई में अगर अच्छे तरीके से अपना मन को लगा सकते हो। आपको प्लानिंग करना ज़रूरी होता है, वैसी बायोलॉजी है,
आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को भी आपको समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में कौन सी फॉर्मूला, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, और जो फिजिक्स होता है उसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपको अच्छे से रिविजन करना है। तो उन सारे टॉपिक्स को आप कवर करके ही 12th एग्ज़ाम में आप टॉपर बन सकते हैं। तो टॉपर बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा बच्चे लोग, आप स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कौन से फॉर्मूला लगेंगे, कौन से डेरिवेशन करने हैं, ये सारे चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर को देखना पड़ता है। इन सारे चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर लेते हो तभी एक एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो, चाहे UPSC हो, चाहे JEE लेवल का हो, चाहे IIT हो, चाहे मेडिकल नीट की पढ़ाई हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ज़्यादा अगर लगा होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। थैंक यू।